दोस्तों, मुझसे अक्सर पूछा जाता है, क्या हमें बुक्स पढ़नी चाहिए? हमें बुक्स पढ़कर परेशान होने की और उतना टाइम खराब करने की क्या जरूरत है, जबकि हम इस टाइम का इस्तेमाल बुक्स की वीडियो समरी देखकर भी कर सकते हैं और वो इंटरेस्टिंग भी होती है। ये सच है, आप इस रास्ते से अपना कुछ टाइम बचा सकते हैं और ऐसा करना गलत भी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है, रीडिंग माइंड के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसा कि बॉडी के लिए एक्सरसाइज। और आप अपनी बॉडी को सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखकर ट्रेन नहीं कर सकते और वीडियो देखकर वैसी बॉडी नहीं बना सकते। तो चलिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। बुक्स पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए और इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन और आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग के बारे में। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन, रीडिंग इम्प्रूव्स योर फोकस एंड कंसंट्रेशन। दोस्तों, रीडिंग, रनिंग और म्यूजिक सुनना, ये तीनों एक तरह की मेडिटेशन ही है। आजकल हमारी लाइफ में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं, लोगों को कंसंट्रेट करने में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है, और अगर आप उन लोगों में से एक नहीं बनना चाहते हो तो आपको रीडिंग पर ध्यान देना होगा। एक एवरेज पर्सन अपने पूरे टाइम को टास्क कंप्लीट करने में, ईमेल चेक करने में, बहुत सारे लोगों से सोशल मीडिया पर चैट करने में, स्मार्टफोन चलाने में वेस्ट कर देता है। इस तरह की एक्टिविटी से हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई हो जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। जब आप बुक पढ़ते हो ना, तो आपका सारा ध्यान स्टोरी पर फोकस होता है, बाकी की पूरी दुनिया आपके सामने ओझल सी हो जाती है और आप जो भी नॉलेज उस बुक से अब्जॉर्ब कर रहे हो उसमें डूब जाते हो। आप कोई भी काम शुरू करने से पहले 15-20 मिनट पढ़ने की कोशिश करो और आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप अपने काम पर कितने फोकस हो जाते हो। दोस्तों, नंबर टू, इट्स ऑल्सो ग्रेट रिलैक्सेशन टेक्निक। क्या आपने लाइफ में किसी पॉइंट पर इतना स्ट्रेस लेवल महसूस किया है जब आपने अपने काम से भागने की कोशिश की हो? यानी कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ में डिप्रेस फील किया है जब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है? अगर नहीं किया तो आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अगर आप कहीं जाना चाहते हो अपने काम को छोड़कर, तो आपको दुनिया के किसी हिस्से में जाने के लिए हमेशा प्लेन टिकट की ज़रूरत नहीं होती। एक महान बुक आपको दूसरे आयाम में ले जा सकती है। बहुत से लोग अपने प्रॉब्लम्स को लेकर ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, तब उन्हें एक ब्रेक की ज़रूरत होती है ताकि वो शांत मन के साथ अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तो क्या आप भी लाइफ में कभी स्ट्रेस फील करते हो? तो एक अच्छी बुक उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो। 2009 में किए गए एक रिसर्च से पता चला है कि रीडिंग स्ट्रेस को दूर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। पुराने पसंदीदा म्यूजिक सुनने, चाय और कॉफ़ी पीने, यहाँ तक कि वॉक करने से भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है रीडिंग। इसे पार्टिसिपेंट्स के हार्ट रेट और मसल टेंशन को इवेलुएट करके मापा गया, जिसमें ये पता चला कि पेज टर्न करने के 6 मिनट बाद ही वो रिलैक्स हो गए। जब आप बुक रीडिंग में खो जाते हैं, आप अपने डेली वरीज को भूल जाते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि आपको पढ़ने के लिए किसी ने मजबूर ना किया हो और आप किसी ऐसी बुक को ना पढ़ रहे हो जो कि आपकी समझ से बाहर है। नंबर थ्री, रीडिंग मेक्स यू स्मार्टर। साइंटिफिक स्टडी ने यह प्रूव किया है कि रीडिंग आपको स्मार्ट बनाती है। जिस तरह आपकी बॉडी के लिए मूवमेंट जरूरी होता है, उसी तरह माइंड के लिए मूवमेंट जरूरी होता है, और रीडिंग आपके माइंड के लिए बेस्ट वर्कआउट है। ब्रेन न्यूरोलॉजिकल वे में मूवमेंट की डिमांड करता है, साथ ही इसे कंसंट्रेशन और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी यानी कि बौद्धिक गतिविधि की आवश्यकता होती है। रीडिंग से आप बढ़ती उम्र में भी अपने माइंड को तेज रख सकते हो। आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके ब्रेन को नई इन्फॉर्मेशन से भरता है और आप सोच भी नहीं सकते कि ये कब आपके काम आ सकता है। आपके पास जितना अधिक नॉलेज होगा, आप किसी भी चैलेंज से उतना ही अधिक बेहतर ढंग से निपटेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप कभी खुद को गंभीर सिचुएशन में पाते हैं, तो याद रखें कि आप सब कुछ खो सकते हैं। आपका जॉब खो सकते हैं, आपका पोजीशन, आपका पैसा, यहाँ तक कि आपकी हेल्थ भी खो सकते हैं, लेकिन आप अपना नॉलेज कभी नहीं खो सकते। आपका नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो फिर देर किस बात की है, आज से ही डालो रीडिंग की हैबिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम मिस्टर प्रोटोन साइनिंग ऑफ।